जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जैसे नौजवान लोग हैं वो सफे अवल में नहीं जा रहे हैं सफे अवल का जो फजीलत है उसको शायद नहीं समझ रहे उसको उस पर तोजो नहीं दे रहे वो जाके जैसे सफ़े अवल खाली है और वो दूसरी सफ में तीसरी सफ में बैठ रहे अब जैसे हम जैसे लोग सफे की फजीलत को समझ के अगर सफे में जा रहे तो उसमें मतलब ये एक देखा जा रहा है हमें ऐसा लग रहा है और बाकी दूसरा यह है जैसे सफे अव्वल में कोई नौजवान पहुंच गया अगर तो वो पीछे के देख रहा है कि कोई आलिम खड़ा है या तो कोई यानी बुजुर्ग खड़ा है कोई पैसे वाला खड़ा है तो उसको आगे कर दे रहा है वो खुद पीछे आ जा रहा है तो ये किस हद तक सही है यानी किसी की तजीम में सफे अव्वल छोड़ के दूसरे सफ में आना किस हद तक सही है आ... देखिए भाई आ, आ, सफे अव्वल में सफ़े अव्वल की बहुत ज्यादा फजीलत है बल्कि की एक हदीस है कि लो या फाफिल अगर लोगों को पता चल जाए कि अजान देने की क्या फजीलत है और सफ़े अव्वल में खड़े होने की क्या फजीलत है तो अगर लोगों को क़ुर अंदाजी करने की जरूरत पड़ेगी तो लोग कुरआजी तक करेंगे एक दूसरे से सप्तर ले जाने के लिए इतनी ज्यादा फजीलत है पहली सफ की ये एक पहली बात दूसरी बात दूसरी कि जब पहली सफ की इतनी ज़्यादा फजीलत है तो हर आदमी को हरी होना चाहिए कि वो पहली सफ में पहुंचे और जो इंसान पहले पहुंचेगा उसे पहली सफ में खड़े होने का हक है जो पहले पहुंच रहा है उसे पहली सफ में खड़े होने का हक है उसे कोई हटा नहीं सकता और जो उलूल अहलाम व नुहा को कहा गया है कि इमाम से करीब खड़े हों उनको चाहिए कि वो पहले पहुंचे जी। उनको चाहिए कि वो पहले पहुंचे तब इमाम के पास खड़े हों अगर कोई इंसान पहले पहुंचा है इमाम के करीब खड़ा है पहली सब में खड़ा है तो उसको हटाया नहीं जा सकता और आखिरी बात ये कि आपने जो आखिरी बात जिक्र किया वो बहुत अहम है कई दफा मस्जिदों में देखने में मिलता है कि पहली सफ में कोई नौजवान खड़ा है बाद में कोई बुजुर्ग आया तो नौजवान जो है बुजुर्ग को देख करके पीछे हट जाता है और बुजुर्ग को आगे कर देता है और वो समझता है कि मैं ईशार कर रहा हूं ईशार हमारी शरीयत में मतलूब है ईशार का मतलब अपनी जरूरत छोड़ करके दूसरे को जो है आगे बढ़ा देना इसको ईशार कहा जाता है लेकिन एक कायदा है कि अल ईशारो फिलकुरबात मकर इबादत के बाब में इशार करना ये मकरू है पसंदीदा नहीं है आप पहली सफ में खड़े हैं पहली सफ की फजीलत है अब अगर आप अपनी जगह छोड़ करके किसी और को वो जगह दे रहे हैं तो ये पसंदीदा अमल नहीं है कोई भी आ जाए कितना भी बड़ा आ जाए अगर आप जहां खड़े हैं पहली सफ में दूसरे को देना ये अफजल अमल नहीं है ये मकरूह है तो आप इबादत में अपने आप को पहले मुकदम रखें अपने नफ्स को कोई भी आ जाए तो अगर आप पहली सब में खड़े हैं कोई भी आए आप वहां से मत हटिए